कसरावत नगर में नाका पैनल के तत्वधान में आयोजित किया गया सबसे पहले तो हनुमान जी की फोटो पर नाका पैनल के सदस्यों एवं महेश्वर के अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर हनुमान जी की फोटो पर माल्यार्पण कर एवं नाका पैनल के सभी सदस्यों को साफा बांधा। इस आम दंगल का शुभारंभ किया गया। दंगल में मध्य प्रदेश केसरी गौरव भाटिया ने महाराष्ट्र केसरी सतीश पहलवान को पटकनी देकर विजेता का खिताब पाया। 40 वर्षों के बाद आयोजित हुए कुश्ती की आम दंगल में खड़ी कुश्ती एवं आम दंगल को दोनों तरफ की कुश्ती का आयोजन रखा गया। खड़ी कुश्ती में 29 जोड़ियों ने आपस में मुकाबला किया। इसके पश्चात आम दंगल की शुरुआत हुई। दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई दंगल में इंदौर केसरी, उज्जैन केसरी, हातोद, बड़नगर, रतलाम, देवास, महेश्वर सहित मध्य प्रदेश केसरी एवं महाराष्ट्र केसरी जैसे 30 से अधिक दिग्गज पहलवानों शिरकत की। दिग्गज पहलवानों के बीच एक से बढ़कर एक शानदार कुश्ती के मुकाबले हुए। रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों को भी रोमांचित कर दिया। मुख्य मुकाबला मध्य प्रदेश केसरी गौरव भाटिया और महाराष्ट्र केसरी सतीश पहलवान के बीच हुआ। करीब 25 मिनट से अधिक समय तक चले इस मुकाबले में दोनों ही पहलवानों ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर मुकाबले को कशमकश में बनाए रखा। आखिर में मध्य प्रदेश केसरी गौरव भाटा ने महाराष्ट्र केसरी सतीश पहलवान को परास्त कर दिया। कुश्ती के रेफरी अरुण जाधव इंदौर एवं भगवान कैवट महेश्वर थे। आयोजन में मातकेश्वर व्यायामशाला महेश्वर के विक्रम कैवट एवं उनकी टीम का सहयोग रहा। आयोजन नगर कसरावत नाका पैनल के सभी सदस्य के द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने में पूरे तन मन धन से सहयोग किया। कार्यक्रम को देखते हुए नाका पैनल के द्वारा इस दंगल कुश्ती का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाएगा। कार्यक्रम में नाका पैनल के अंजय मंडलोई के साथ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष पप्पू सोनी पार्षद, राइस कुरेशी शहीद खान, डॉक्टर श्री सुजय सवाल सहित हजारों की तादाद में दर्शकों ने दोपहर 12 बजे से कुश्ती समापन तक कुश्ती का आनंद लिया। इसमें हमने 15 प्लेयर बुलाए थे, मतलब 30 पहलवान आए थे आमंत्रित, जो इंदौर, उज्जैन, देवास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश केसरी, महाराष्ट्र केसरी सभी लोग इसमें शामिल हुए। काफी समय बाद, लगभग 40 साल बाद ये कुश्ती देखने को मिली है कसरावत नगर वासियों को, इसलिए जनता में बहुत ही अपार उत्साह रहा और जनता चाहती है कि ये प्रतिवर्ष हो और प्रतिवर्ष करवाने के लिए नाका पैनल प्रतिबद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे लोगों का, युवाओं का उत्साह बढ़ेगा, कबड्डी कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों की ओर उनका रुझान बढ़ेगा। पूरा श्रेय अजय भाई दरबार को जाता है, उनकी टीम को और परिषद इसमें पिछली बार पूरा सहयोग करे। कसरावत तहसील से अब्राहर पठान की ये रिपोर्ट।